इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में बात होगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है अलग अलग सर्किट्स में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जो कॉमन सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस तरीके से काम करती हैं इसको देखेंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हीटिंग इफेक्ट कैसे ला सकते हैं इसको देखेंगे, जो कि आपका नॉर्मली हीटर्स वगैरह में होता है। स्कूल के इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरीके से काम करती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट होता है, वो सब देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस जो लगे होते हैं घर में वो कैसे काम करते हैं ये सब चीजें देखेंगे। तो बहुत सी चीजें आपसे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको यहां देखने को मिलेंगी। ओके, चैप्टर 12 क्लास 6 की किताब में हाउ स्टडी इज योर हैंड है ये गेम हमने खेला था। अगर आपने नहीं खेला तो आप खेल सकते हैं। इसमें क्या है कि पहेली और बूझो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। क्लास 6 की किताब जाके देखिए, चैप्टर 12 देखिए, वहां पे मैंने ये सब के बारे में बहुत डिटेल में बात की। ओके, अब आगे देखते हैं इसको। यहां पे आपको कुछ सर्किट्स नजर आ रहे हैं। सेटअप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज। अब देखिए यहां पे एक बेसमेंट है, ये एक्चुअली थर्मोकॉल पेपर है नीचे, इसके अंदर यहां पे आपने दो किल्ले लगा दिए, ठीक है, किल्ले लगा दिया, पिंस लगा दी, उस पिंस में आपने एक हेयर पिन फंसाई, एक साइड पे यहां से तार निकल के निगेटिव टर्मिनल में जोड़ा है आपने इस बैटरी सेल के, पॉजिटिव टर्मिनल से आपने इस कील को जोड़ा है जो कि ऑलरेडी एक थर्मोकोल में लगी हुई है, फिर यहाँ पे एक अलग से कील रखी है, यहाँ पे एक तार कनेक्टेड है इस चाबी से, चाबी के बीच से ये दो कीलों को जोड़ने वाला तार निकला हुआ। ये एक ट्रिकी सा फिगर बन रखा है फिगर 14.1 में। बेसिकली इस फिगर को बनवा के आपको प्रैक्टिस की जाती है कि आप ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट्स में जिस तरीके के सर्किट्स बनेंगे क्या आप उस तरीके के सर्किट्स को बना पाओगे, तो कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। ठीक है, अब बात यह है कि एक तो इन सर्किट्स को बनाना, दूसरा मान लीजिए कि आपको लेआउट देना हो एक, कह सकते हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। जैसे फॉर एग्जांपल मैप्स में मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था कि थीमेटिक मैप्स में रोड्स के अपने अलग साइन होते हैं, ठीक है, रेलवे लाइंस के अपने अलग साइन होते हैं, रिवर्स के अपने अलग साइन होते हैं, पेड़ के अपने अलग साइन होते हैं। तो क्या उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग चीजों के अपने अलग साइन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इस बैटरी सेल का अलग साइन होगा, ठीक है, एक स्विच का अलग साइन होगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की। कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल आपको टेबल में देखने को मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन से वो सिंबल्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो इलेक्ट्रिक सेल, जो कि पेंसिल सेल होता है, आपके घर में घड़ियों में लगता है, आपके एसी के रिमोट में लगता है, बहुत जगहों पे सेल मिलता है, उसका सिंबल कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ये जो बड़ा वाला पतला डंडा है पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो मोटा वाला छोटा वाला डंडा है नेगेटिव टर्मिनल है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो कि आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। स्विच इन ऑन पोजिशन, स्विच इन ऑन पोजिशन मतलब कि करंट बह रहा है, तो इस तरीके से सिंबल होगा। ऑफ पोजिशन मतलब कि करंट नहीं बनेगा तो सर्किट टूटा हुआ होगा, तो सर्किट टूटा हुआ वैसे दिखाएंगे, तो सर्किट इज ओपन इट इज नॉट क्लोज्ड, ऑन नहीं है। फिर बैटरी की बात कर लें तो बैटरी देखिए यहाँ कैसे जुड़ी हुई है, दो बैटरी जब लाइन से जुड़ी हुई है तो कुछ इस तरीके की दिख रही है, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, और ये रहा वायर। वायर ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ एक नॉन इंसुलेटर से ढका हुआ होगा, तो उसको काट के आप अंदर के वायर्स को बाहर निकाल सकते हो, तो वायर को ऐसे दिखाया जाता है। तो ये कॉमन सिंबल्स हैं, आप ध्यान रखिए जब कभी भी आप अपने सब्जेक्टिव पेपर्स को लिखेंगे तो वहां पे सिंबल्स बनाने आपको काम आएंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स आपको नजर आ सकते हैं। जनरल बेसिस पे इन सिंबल्स को इस तरीके से दिखाया जाता है जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो आज की जो हम किताब पढ़ेंगे उसमें यही सिंबल्स दिखाए जाएंगे जिसको अभी अभी मैंने आपको टेबल में आपके साथ डिस्कस किया है। अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक सेल था, जो पेंसिल सेल था, उसमें एक लॉन्गर लाइन थी और एक शॉर्टर लाइन थी। लॉन्गर लाइन पतली थी थोड़ी सी, जो शॉर्टर लाइन थी वो थिक थी। तो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो लॉन्गर लाइन है ऑलरेडी बता चुका हूं पॉजिटिव टर्मिनल को रिपोर्ट करती है, और शॉर्टर लाइन जो कि थिक है वो निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। अब ऑन पोजिशन ऑफ पोजिशन भी दिखा चुका हूं मैं, अगर सर्किट जुड़ा हुआ है तो वो ऑन पोजिशन है, अगर टूटा हुआ है तो ऐसे उठा हुआ होगा, यानी कि ये कुछ इस टाइप का होगा। अगर इट इज नॉट कनेक्टेड, सर्किट टूटा हुआ है, तो इस तरीके से उठा हुआ होगा स्विच, और अगर इसके ऊपर स्विच जुड़ा हुआ है तो फिर सर्किट ऑन है। ऑन है मतलब करंट बह रहा है। बैटरी का सिंबल कैसा होता है
ये भी हमने देख लिया। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल्स आर शोन। अब बैटरी क्या होती है? तो बैटरी बहुत अलग अलग तरीके की है। यहां पे बैटरी का सिग्नल कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। इधर 14.2 वाले फिगर में देखिए, पहले फिगर ए में आपको दो बैटरी साइड बाय साइड कनेक्टेड नजर आ रही हैं, फिगर बी में आपको चार बैटरी साइड बाय साइड जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब बैटरी के अलग अलग कितने तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी हम यहां पे देखेंगे। कुछ एक्टिविटीज के लिए आप केवल एक इलेक्ट्रिक सेल से काम चला पाएंगे तो वही आपकी बैटरी हो जाएगी। कुछ एक्टिविटीज के लिए आपको एक से ज्यादा सेल, दो सेल्स की जरूरत पड़ेगी, वहां वो दो सेल्स मिलकर आपकी बैटरी हो जाएंगी। कुछ में चार सेल्स की जरूरत पड़ेगी तो वो चार सेल्स मिलकर आपकी बैटरी हो जाएंगी। तो दो या दो से ज्यादा सेल को आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसा कि फिगर 14.2 में दिखा गया है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए 14.2 ए में दो जोड़ गई है, 14. बी में चार बैटरीज जोड़ी गई है। तो देखिए बहुत सारी डिवाइसेस जैसे टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयस, टीवी रिमोट कंट्रोल, इन सब में बैटरी लगती है। ये घर में भी आपको नॉर्मली नजर आ जाएंगे। अब जैसा कि इस 14.2 फिगर में दिखाया गया कि जो बैटरीज एक के बाद एक लगी हुई है, क्या हर केस में बैटरीज एक के बाद एक लगना जरूरी है? नहीं, बैटरीज को आप साइड बाई साइड लगा सकते हो, बट उनके टर्मिनल्स आप जोड़ के रखो। मैंने आपको बताया ना, ये एक बैटरी अगर दो मान लीजिए ऐसे लगी हुई है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है अगर पहली बैटरी का, तो जो पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर रहा होगा। और वहीं आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो फ्रेंड्स कि मान लीजिए इन दो बैटरियों को एक दूसरे के पीछे ना लगा के आप साइड बाई साइड लगाते हो, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, कुछ कनेक्शन बना रखा होगा यहाँ पे। इसको अभी हम लोग फिगर समझेंगे। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। दिस इज देयर इज यूजुअली थिक वायर और अ मेटल स्ट्रैप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। 14.3 की बात करते हैं। 14.3 में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? 14.3 में बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बैटरीज को इस तरीके से 14.2 में जो लाइन से लगा के रखा है वैसे जरूरी नहीं है, साइड बाय साइड भी लगा सकते हो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से किसी वायर के थ्रू अगर आप जोड़ सको तो। यहाँ पे देखिए एक तरीके का सेल होल्डर है। यहाँ पे सेल होल्डर में फ्रेंड्स आपको ये नजर आ रहा है, अगर एक तरफ पॉजिटिव है, अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ओके, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। और ऑफिस में ये कुछ एक तरीके एक थिक वायर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो हमेशा सेल होल्डर जरूरी नहीं है कि फिगर 14.4 की तरह हो। 14.4 में क्या होगा, दो मेटलिक कंपोनेंट यहां लगा रखे हैं जिनको कील से इस बोर्ड में ठोक रखा है, और इन दोनों मेटलिक कंपोनेंट को एक रबड़ बैंड से आपने टाइट कर रखा है ताकि ये दो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, टाइट रहे। पर जरूरी नहीं है आपको लीनियर सेंस में लगाओ, आप इस सेल होल्डर की जगह तरह साइड बाई साइड भी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, ओके? तो देखिए How can we connect the cells to prepare batteries for our activities? आप एक सेल होल्डर बना सकते हो जो कि 14.4 में दिख रहा है, जहां पे मैंने आपको वुडन ब्लॉक दिखाए, दो आयरन स्ट्रिप्स दिखाई, एक रबर बैंड दिखाया है। यहाँ पे देखिए 14.4 में आपको दिखा रखा है, ओके। बस खास बात यह है कि ये जो रबर बैंड है ये इन दोनों मेटल स्ट्रिप्स को इतना टाइटली पकड़ कर रखे कि ये जो दो सेल्स हैं ये लगातार एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, ओके। यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर सेल। इस तरीके के सेल जो होल्डर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप इनको खरीद के अपनी बैटरी बना सकते हैं। अच्छा, ये बैटरी बनाने की बात कही क्यों जा रही है? ये बैटरी बनाने की बात फ्रेंड्स इसलिए बोली जा रही है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप करने वाले हैं, तो जरूरी है कि आपके पास इलेक्ट्रिक सेल हो। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस पेंसिल सेल से ही करेंगे, इस इलेक्ट्रिक सेल से ही करेंगे जो यहाँ पे चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा। कभी भी किसी भी मेन स्विच अपने घर से डील मत करिएगा, उसका करंट बहुत भयानक लगता है। एक बार छोटे मुझे 2 या 3 सेकंड के लिए करंट लगा था और बहुत डेंजरस होता है, बॉडी झंडागा ही थी, 10 मिनट तो नॉर्मल होने में लग गए थे। तो इसीलिए पेंसिल सेल से आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करिएगा। कभी भी जो आपके घर में स्विच बोर्ड्स लगे उनसे मत छेड़िएगा, इन्वर्टर के पीछे जो तारे लगी होंगी उनको मत छेड़िएगा, ठीक है? किसी भी चीज का स्विच लगा हुआ हो, टीवी का स्विच है, किसी और चीज का स्विच, तो उसको मत छेड़िएगा, ओके? अब पहली मुझे दिमाग में ख्याल आया कि जो ट्रैक्टर्स में बैटरी होती है, जो ट्रक्स में बैटरी होती है,
जो इन्वर्टर्स में बैटरी होती है उनको बैटरी क्यों कहा जाता है, स्पेंसिल सेल को भी हम बैटरी कह रहे हैं, और ये जो ट्रैक्टर ट्रक्स और इन्वर्टर्स में बैटरी लगी है उनको भी हम बैटरी कर रहे हैं, वो सेल से बनी हुई है और हमारी पेंसिल बैटरी से बहुत अलग है। तो देखिए बैटरी एक ऐसी चीज होती है जो पावर प्रोवाइड करती है, वो चाहे छोटा सा पेंसिल सेल हो चाहे इन्वर्टर की और ट्रक की बड़ी बड़ी बैटरियां हो। काम कैसे करती है वो एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। तो यहां पे क्या था, जब भी आप बैटरीज बना रहे थे आपको सेल को पुट द सेल्स इन देम प्रॉपरली, यानी जो आपका सेल होल्डर्स आए थे ठीक है जिसमें आप पेंसिल सेल लगा सकते हो, तो इसमें सेल को आप तरीके से लगाइए ताकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ हो। एंड कनेक्ट द पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.5। देखिए इस तरीके के सेल होल्डर्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, 10-15 रुपए के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और इसका जो आउटपुट होता है ना तार का, उसके दो जो टर्मिनल्स हैं वो आपको नजर आएंगे, एक रेड फॉर्म में एक काले फॉर्म में, और फिर इस तारों के थ्रू आप अपने सर्किट्स को बना सकते हैं। सिंबल जो था एक बैटरी का वो हमने टेबल 14.1 में देख लिया है। अब हम लोग अपना मेन चीज शुरू कर रहे हैं एक सर्किट को बनाना। ये देखिए ये 14.7 में एक सर्किट बना रखा है, कुछ कुछ इस तरीके के सर्किट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 14.7 का जो इलेक्ट्रिक सर्किट यहां बना हुआ है उसको सिंबल के फॉर्म में हमने 14.8 में बना रखा है। पहले इसकी थ्योरी को देख लेते हैं फिर डायग्राम से समझेंगे। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई 14.7 की तरीके का, इसी तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट हमने क्लास 6 में भी बनाया है। तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे बल्ब जलने लगेगा, स्विच को ऑफ करोगे बल्ब बंद हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक सर्किट को आप नोटबुक में बनाइए, और साथ साथ जो अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए जो हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया उस सिंबल्स को यूज करके आप फिर से एक डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि जो डायग्राम आप सिंबल से बना रहे हैं वो डायग्राम एक्चुअली में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है बनाना, और उससे आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक तरीके से डिस्प्ले कर पा रहे हो। अब यहां देखिए आपने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब को जोड़ा एक साइड, अब इस बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ना मैंने क्लास 6 में बताया था, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल को आपने इस पिन से जोड़ा और दूसरी पिन इस थर्मोकॉल में लगी हुई है। ये जो थर्मोकॉल है दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो बीच में पिन है दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये पिन अभी ऑन पोजिशन में जुड़ी हुई है तो करंट बह रहा है। इसको यहां पर आपने कैसे दिखाया, ये जो बल्ब है वो इससे डिस्प्ले हो रहा है, ये जो स्विच है यहाँ पे ये आपका इससे डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक सेल है आपका ये इससे डिस्कस कर रहा है। इसकी लंबी लाइन पॉजिटिवली चार्ज है, छोटी और मोटी लाइन नेगेटिवली चार्ज है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन, जब ऑन है, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कंप्लीट, यानी कि अब करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। जब स्विच ऑफ पोजिशन में है, यानी कि ये जो पिन है वो दोनों कनेक्टेड नहीं और किसी एक तरीके से खुला हुआ है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो आपका करंट है वो नहीं बहेगा। अब जब हमने बल्ब की बात की थी फ्रेंड्स, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता था, एक थिन टाइप का वायर होता था। फिलामेंट किससे बना होता, तो ये टंगस्टन का बना होता। आजकल इस तरीके के बल्ब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, घरों में आपको CFL और इनकैंडेसेंट लैंप्स ज्यादा दिखेंगी, बल्ब इस तरीके के अब ज्यादा नहीं दिखते। तो ये फिलामेंट होता था, इस फिलामेंट से जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो ये फिलामेंट इतना ज्यादा हीट हो जाता था कि ये जलने लगता था। ओके, अगर फिलामेंट बल्ब का टूटा हुआ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, और आप एक चीज देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब जलता था फिलामेंट वाला तो रोशनी के साथ साथ वो काफी सारी गर्मी भी पैदा करता था। अगर आप उस इलेक्ट्रिक बल्ब के शीशे को छूओगे तो आपको गर्म गर्म महसूस होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब इस फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था तो लाइट एनर्जी को तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, वो बहुत सारी हीट भी पैदा कर रहा था। वो हीट पैदा करना इज नॉट एन एफिशिएंट प्रोसेस, क्योंकि उससे वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उस समय पे ये जो बल्ब्स थे उससे ज्यादा एफिशिएंट बल्ब्स आज की डेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे CFL लैंप्स इस्तेमाल होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बोली गई कि कभी भी एक लाइटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब को मत छूइए। लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को क्यों छूने से मना किया है, क्योंकि वो गर्म होता है और वो इतना गर्म होता है कि आपके हाथ जल सकते हैं। ओके, और जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि
कभी भी मेन स्विच के साथ मत छेड़िए, जनरेटर के साथ, इन्वर्टर जैसी चीजों के साथ कभी भी मत छोड़िए। जब जो भी एक्टिविटीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रिक सेल यानी कि पेंसिल सेल से ही करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग हीटिंग का इफेक्ट पैदा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से? बिल्कुल पैदा कर सकते हैं, अगर एक एप्रोप्रिएट मटेरियल की अवेलेबिलिटी है हमको। आप एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, वही पेंसिल सेल, एक बल्ब लीजिए, एक स्विच लीजिए और एक कनेक्टिंग वायर लीजिए। कनेक्टिंग वायर का बहुत बार प्रयोग किया, बल्ब का बहुत बार प्रयोग किया, स्विच का हमने बहुत बार प्रयोग किया और इलेक्ट्रिक सेल का भी बहुत बार प्रयोग किया, तो ये सब चीजों का प्रयोग हम कर चुके हैं। 14.9 में जिस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है उस तरीके का सर्किट बनाते हैं, तो 14.9 देख लेते हैं। ये रहा 14.9, बहुत सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा रखा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे स्विच ओपन पोजीशन में है, मतलब कि खुला हुआ है, जो करंट है वो सर्किट में बह नहीं रहा है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। अब शुरू शुरू में कहा गया है, अच्छा एक बात और, इस एक्टिविटी को आपको केवल एक सेल से करना है, केवल एक पेंसिल सेल का इस्तेमाल होगा। और स्विच को आप पहले ऑफ पोजिशन में रखो, तो ऑफ पोजीशन में आप देखोगे कि बल्ब नहीं जल रहा है, ऑब्वियसली नहीं जलेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन में लेके आओगे, सर्किट को कंप्लीट करोगे, वो जो बल्ब है वो जलने लगेगा। अब आप बल्ब को लगभग एक मिनट के लिए जलने दो और जब बल्ब जल रहा होगा उसको आप छू के देखो, ठीक है? छू के देखोगे तो बल्ब हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, ओके। फिर आप उस इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद कर दो, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बल्ब को छुओगे तो बल्ब हो जाएगा ठंडा। एक्चुअली में आप यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट के साथ साथ वो बल्ब हीट भी एमिट कर रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक और चीज, एक्टिविटी 14.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14.10 जैसा एक सर्किट बनाइए, ये आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे थर्माकोल है, इसमें दो कीले आपने गाड़ रखे हैं। अब ये जो आयरन नेल्स हैं या जो कील है उसको तो आपने थर्माकोल में आराम से गाड़ दिया, इसको बीच में आपने एक वायर से कनेक्ट किया है। ये वायर एक्चुअली में नाइक्रोम वायर है। ये नाइक्रोम वायर आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान से मिल सकता है, या फिर अगर आपके घर में कोई यूज्ड इलेक्ट्रिक हीटर हो, यूज्ड इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करिएगा, नया इलेक्ट्रिक हीटर या फिर जो प्रेजेंटली यूज हो रहा हो उसमें जो वायर होती है अगर वो फ्यूज नहीं हुई है सही है तो फिर वो आपका एक तरीके से वेस्टेज होगा। तो उसकी जो वायर होती है ना इलेक्ट्रिक हीटर की, वो एक्चुअली में नाइक्रोम की बनी हुई होती है। तो थोड़ा सा इस नाइक्रोम का टुकड़ा कहीं से अरेंज करके आप उनको इन आयरन नेल्स में लपेट दीजिए, तो पूरा एक सर्किट सा बनता आपको नजर आएगा। सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब आप इस स्विच को बंद करोगे, ओके। अब जब आप स्विच को ऑन करोगे ना, एक क्वेश्चन दे रखा है कि इस स्विच को जब आप ऑन करोगे, जब ऐसे जोड़ दोगे, तो ऑन करने के बाद इसको बहुत लंबे समय के लिए ऑन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए ऑन करोगे तो आपका पेंसिल सेल बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा, उसकी पावर ड्रेन हो जाएगी। और चूंकि आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो अपने इलेक्ट्रिक सेल की, अपने पेंसिल सेल की पावर को बचा के रखिए। अब हमने आगे किया क्या, हमने करंट को स्विच ऑन किया, इस स्विच को ऑन की पोजीशन में लेके आए, और ऑन की पोजीशन में लाने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद, लगभग 10 से 15 सेकंड्स के बाद हमने इस वायर को टच किया, नाइक्रोम वायर को। जब आप इस वायर को टच करोगे आप देखोगे कि वायर हल्का हल्का सा गर्म हो गया, ओके। फिर जब आप करंट को स्विच ऑफ करोगे, फिर थोड़ी देर बाद वायर को छुओगे तो आप देखोगे कि वायर की जो गर्मी है वो जा रही है। तो यहां हो क्या रहा है कि जो नाइक्रोम वायर है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये हो रहा है गर्म, और इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट जिस मीडियम के थ्रू बीत रहा है, जिस मीडियम के थ्रू पास कर रहा है, उस मीडियम पे डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट आने वाला है। जैसे कि अगर आप वायर्स देखोगे, नॉर्मल वायर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, ना वो ज्यादा गर्म होते हैं ना वो किसी तरीके की हीट पैदा करते हैं, वो बस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर देते हैं। आपने बल्ब का वायर देख लिया जो कि फिलामेंट है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ है, उसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो भैया वो इतनी बुरी तरीके से जलने लगा, उसने हीटिंग इफेक्ट में निकाला। नाइक्रोम वायर के थ्रू आपने जब पास किया तो भाई लाइट तो इसमें बहुत कम निकलेगी, जैसे हीटर जलता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है, बट हीट अच्छी खासी निकलती, तो हीटर पे तो लोग खाना बना लिया करते थे, ओके। तो हीटर में नाइक्रोम वायर का प्रयोग हुआ, और हीटर एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो ऑलमोस्ट सबने देखा होगा कि इसमें आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो।
क्या आप ऐसे किसी और इक्विपमेंट्स को जानते हो जिसमें आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो? तो ऑब्वियसली बात है, आपके घर में जो एयर हीटर्स रखे होते हैं वो एक्चुअली में इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, फिर इलेक्ट्रिक हीटर्स जो कि आपके कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ऊपर से तो उसमें वायर्स नहीं दिखते पर नीचे की तरफ उसमें वायर्स होते हैं, वही वायर गर्मी पैदा करते हैं ऊपर की स्लैब पे, और उस स्लैब पे आप रख के अपना खाना पकाते हो। ओके, यहां पे देखिए एक फिगर बता रखा है, और उस फिगर में जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो लोहे का आयरन होता है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन की नीचे की स्लैब निकाल दी और अंदर आपको ये बहुत सारा वायर का एक मेश फैला नजर आ रहा है, और इस वायर के मेश के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ऑब्वियसली बात है ये वायर हीटर अप हो जाएगा। वो हीटर अप इसके ऊपर लगी हुई आयरन प्लेट को हीट कर देगा, और वही आयरन प्लेट के थ्रू आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हो। ठीक है, तो बूझो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, वो एलिमेंट तब दिखेगा जब पीछे के आप इस आयरन स्लैब को निकाल दोगे। पहेली ने बताया कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनके अंदर इस तरीके के वायर्स अंदर होते हैं, जिनके थ्रू अगर आप बिजली को पास करते हो तो वो जलने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे। ऐसे कुछ अप्लायंसेज हैं इमर्शन हीटर्स। इमर्शन हीटर्स में क्या होता है कि एक रॉड आती है, उसको आप पानी के अंदर डाल दो तो पानी गर्म हो जाता है। हॉट प्लेट्स आती हैं, आयरन आता है, गीजर्स, इलेक्ट्रिक कैटल्स, हेयर ड्रायर्स। इलेक्ट्रिक कैटल में पानी कैसे गर्म होगा? उस इलेक्ट्रिक कैटल के बाहर की लेयर में अंदर की तरफ वायर्स निकलते हैं, उन वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो वायर जलने लगते हैं और अंदर के पानी को हीटिंग इफेक्ट देते हैं। फिर हेयर ड्रायर्स, इस तरीके की चीजें में आपके इस तरीके के अप्लायंसेस का प्रयोग होता है, यानी कि उन वायर्स का प्रयोग होता है जिनके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वो हीटिंग इफेक्ट देंगे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है पुराने वाले बल्ब का, ये अंदर जो जल रहा है ना ये एक्चुअली में फिलामेंट है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब पहले घरों में बहुत कॉमन हुआ करता था, आज भी एक्चुअली में इस्तेमाल किया जाता है, बट उतना इस्तेमाल अब इसका खत्म हो गया है। अब यहां पे देखिए, यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। ओके, वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब किसी वायर से कितनी हीट पैदा हो रही है डिपेंड करेगा कि उस वायर का मटेरियल कैसा है, उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा है। इसीलिए जरूरत के हिसाब से वायर्स को अलग अलग मटेरियल, अलग अलग लेंथ, अलग अलग थिकनेस का बनाया जाता है और जरूरत के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए वायर इस्तेमाल होते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ प्लास्टिक की कवरिंग में आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नॉर्मली जब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो गर्म नहीं होंगे, क्योंकि उनके थ्रू लगातार इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो गर्म हो जाते हैं बट वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक, आसानी से विजिबल भी नहीं होते। बहुत सारे आपके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक, जैसे फॉर एग्जांपल पुराना फ्रिज है फ्रेंड्स, तो पुराना फ्रिज में पीछे का जो सर्किट होता है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है जब उसकी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें बहुत लंबे समय के लिए इलेक्ट्रिक पास होती जाएगी तो वो गर्म होते जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो दिख रहे हैं जैसे कि बल्ब है, वो हीट इफेक्ट भी दे रहा है। ओके, कुछ ऐसे हैं जो गर्म नहीं हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल जो वायर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल का चार्जर देख लीजिए या फिर अपने लैपटॉप का चार्जर देख लीजिए, तो इन वायर्स के थ्रू जब करंट दौड़ रहा है तो वो जो वायर है ना, इन चार्जर्स की जो वायर के अंदर जो रॉड सी गई हुई जिसके थ्रू करंट कंडक्ट हो रहा है वो गर्म नहीं होती, क्योंकि उसका मटेरियल ऐसा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने से वो गर्म नहीं होगी। अभी जो इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब देखा मैंने, इनको लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था पर ये हीट भी देते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करने में यूज हो जाती है, इसलिए ये इतने एफिशिएंट नहीं माने जाते हैं। अब इनके बहुत एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स आ गए, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स आ गए हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स आ गए जिनको CFL ट्यूब्स कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स का आजकल इस्तेमाल होने लगा है, लाइट एमिटिंग डायोड्स बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और बहुत साल तक चलते हैं। ओके, तो इसीलिए लाइट एमिटिंग डायोड्स के रिस्पेक्ट में, उन्हें CFL के रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि ये महंगी होती हैं, बट ये इतने साल तक चलती हैं कि ये लॉन्ग रन में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात, जब आप इनको परचेज करने जाओगे तो ये बल्ब से बहुत ज्यादा महंगी भी करी होती है। अच्छा, आपसे ये भी कहा जाता है कि आप उन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और गैजेट्स को खरीदिए
जिनके ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क हो, खासकर एक स्टैंडर्ड मार्क हो जिसको आप ISI मार्क बोलते हो। तो आपसे बोला था ISI मार्क के प्रोडक्ट्स को ही खरीदने चाहिए, क्योंकि ISI मार्क के प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर टेस्टिंग की गई है और गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को एक लेबल दिया है। गवर्नमेंट की एक बॉडी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसने उस प्रोडक्ट को एक लेबल दिया है कि दैट इज यूज, दैट इज सेफ टू यूज। जब हमने CFL की बात की, लाइट एमिटिंग डायोड की बात की, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की बात की, खासकर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFL, इसमें भाई वल्करी वेपर मिलता है, मर्करी वेपर, और ये मर्करी वेपर बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसीलिए जब कभी भी CFL टूट जाए या फ्लोरोसेंट ट्यूब टूट जाए तो उसको बहुत ढंग से डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि उसमें मर्करी ठीक ठाक मात्रा में होती है और मर्करी पॉल्यूशन इस समय पर हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज की तरह खड़ा हुआ है। ओके, अब द फिलामेंट ऑफ An electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may get so hot that it may even melt and break. But is it possible for a wire to melt and break? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप वायर के थ्रू इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें कि वो इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि वो मेल्ट हो जाए? क्या इस चीज को हम लोग इंटेंशनली करते हैं? यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 14.4 है, 14.3 एक्टिविटी में जो सर्किट बनाया था उसको बनाइए। तो 14.3 हमने एक्टिविटी में कौन सा सर्किट बनाया था ये देखिए, ये फिगर 14.10 की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये वाला सर्किट हम पहले बना चुके हैं, अब इससे रिलेटेड एक चीज होगी। क्या होगा कि इसमें जो सेल थी, एक बैटरी का हमने प्रयोग कर रहे हैं तो हम चार बैटरियों का प्रयोग करते हैं, तो चार बैटरियों को लगातार लगा के आप एक अच्छा खासा पावरफुल सोर्स बना सकते हो। और इस नाइक्रोम वायर की जगह आप लगाओ स्टील वूल, स्टील वूल को नॉर्मली बाथरूम, ये किचन में बर्तन धुलने के लिए काम किया जाता है, और ये स्टील वूल आराम से ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा। स्टील वूल के वायर को अगर आप छू के देखोगे तो काफी कमजोर सा होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। ओके, तो आपने सर्किट बना लिया, सर्किट में एक सेल की जगह चार सेल बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो पावर निकलेगी वो काफी स्ट्रांग होगी। अगर रूम में कोई फैंस है आप उनको बंद कर दो, और फिर उस स्टील, ये जो आपका स्टील वूल वाला जो वायर है उसके थ्रू आप करंट को पास करो, और फिर उस स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल को ऑब्जर्व करो। आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो स्टैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, यानी चार सेल्स की पावर जब, और नाइक्रोम के थ्रू हमने नहीं किया इसको, स्टील वूल के थ्रू किया है। क्यों किया है? क्योंकि स्टील वूल मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे, यानी कि कुछ मटेरियल को स्पेशली इस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है कि अगर एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर, अगर एक लिमिट के ऊपर उनके थ्रू करंट पास होता है तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उस करंट पे, उस थ्रेशहोल्ड पे इतने ज्यादा गर्म हो जाएं कि पिघल जाएं, और जब वो पिघल हो जाएंगे तो सर्किट जाएगा ब्रेक, सर्किट जाएगा टूट, ठीक है? और जब सर्किट टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस हम सबके घरों में मिलते हैं, पहले इस तरीके के फ्यूजेस आते थे फ्रेंड, इसको आप सीधे सीधे इस फ्यूज को उठा के सॉकेट में घुसेड़ देते थे, उसमें ये जो छोटी सी वायर आपको नजर आ रही है ना, ये वाली वायर मेन काम करती थी। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा हुआ, पहले के समय में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता था, तो एकदम से वोल्टेज अगर तेज बढ़ गया तो तेज वोल्टेज बढ़ेगा तो इस बीच वाली वायर पे तेज करंट पास होगा, तेज करंट पास होगा, एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो गई तो ये टूट जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, सर्किट टूट जाएगा, आपके घर की लाइट बत्ती गायब हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों होता था ये फ्यूज? क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज आ गया और घर में स्टेबिलाईजर नहीं लगा है तो आपका फ्रिज फूक सकता है, आपका टीवी फूक सकता है, आपका पंप फूक सकता है मोटर वाला। इस तरीके की चीजें पहले हुआ करती थी, पंप फूक जाया करते थे लोगों के घरों में, इसलिए फ्यूज बहुत जरूरी हुआ करता था। ओके, तो हर तरीके की बिल्डिंग्स में, सारी बिल्डिंग्स में फ्यूजेस को इस्तेमाल किया जाता था, और एक मैक्सिमम लिमिट रहती थी कि भाई वो फ्यूज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि अगर उस सर्किट में एक लिमिट से ज्यादा आपका करंट बहा तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूज गर्म होके जल के टूट जाएगा। जो फ्यूज आपके घर के मेन सर्किट में लगाए, कभी भी उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत करिएगा, कभी भी उसको निकालने की कोशिश मत करिएगा, वो आपके घर की मेन पावर होती है। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको तगड़ा झटका
लग सकता है। आप एक काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप में जा सकते हो और वहां पे फ्यूज को लेके उनको कंपेयर कर सकते हो। तो एक काम तो इसने क्या किया कि एक्सीडेंट से अगर करंट या वोल्टेज तेज बढ़ा तो वायर्स ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे, ओवरहीट हो जाएंगे, और अगर वो ओवरहीट हो गए तो फायर कर सकते हैं। तो अगर एक प्रॉपर फ्यूज बना हुआ है तो वो फ्यूज पिघल जाएगा, सर्किट को तोड़ देगा, बिजली बहनी बंद हो जाएगी। तो जो फ्यूज है, दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। हर तरीके के अलग अलग तरीके के फ्यूजेस का इस्तेमाल हो जाता है। 14.14 में फ्यूज जो मैंने दिखाया वो घरों में पहले इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल 14.15 जैसा जो फ्यूज है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इस्तेमाल होता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। पहले बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं। अब यहां पे हम ये और देखेंगे कि भाई एक्सेसिव करंट्स कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादा क्यों हो जाते हैं। देखिए ऐसा होता है फ्रेंड्स, और फ्यूजेस की जरूरत क्यों होती है कई कई जगहों पर, होता ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही जो जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा होगा आपके हाउस में, वहां पे बहुत सारे वायर्स आसपास में निकल रहे होंगे। अब अगर वो वायर्स बहुत पुराने हैं तो उनके ऊपर की जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो कभी कभी हट जाती है, तो वो वायर्स एक्सपोज हो जाते हैं। जब वो वायर्स एक्सपोज हो जाते हैं, अगर वो आसपास के किसी वायर के साथ जुड़ गए तो करंट मिसमैच हो जाएगा। करंट कहते हैं ना कि दो सर्किट्स, दो अनवांटेड सर्किट्स आपस में जुड़ जाएंगे। अगर वो दो अनवांटेड सर्किट्स आपस में जुड़ गए तो एक्सेसिव करंट हो जाएगा, जिसके चक्कर में एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, इस शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने में भी फ्यूज एक मेजर रोल प्ले करता है। फिर एक्सेसिव करंट होने का एक और रीजन है कि मान लीजिए किसी एक सिंगल सॉकेट से आपने बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ दिया। जब आपने एक सिंगल सॉकेट से बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ दिया तो वो बहुत सारे डिवाइसेस केवल उस सिंगल सॉकेट से करंट खींचेंगे। तो हो सकता है कि उस सॉकेट पे बहुत तगड़ा लोड पड़े, और आप कह सकते हो कि उस सॉकेट पे लोड पड़ेगा तो सर्किट पे तगड़ा लोड पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कभी कभी घरों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट्स और ओवरलोड्स की वजह से। तो इन शॉर्ट सर्किट्स और ओवरलोड्स को भी अवॉइड करने में जो फ्यूज होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि भाई जो दो तार हैं जिनको आपस में नहीं मिलना, अगर वो एक्सपोज हो गए, उनके ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग हट गई और वो आपस से मिल गए, तो उसको बोलते हो आप शॉर्ट सर्किट। अब इसका एक्सपेरिमेंट तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट आप इस तरीके से समझोगे फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक ऐसा तार है जो आपके पंखे को हवा दे रहा है, जो पंखे को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, पंखा चल रहा है, और एक तार है जो आपके ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है। अगर करंट कैरी करता हुआ तार आपका जो कि बल्ब को दे रहा है करंट और जो कि फैन को दे रहा है, दो अलग अलग है, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे ना करंट करते हुए तो ये शॉर्ट सर्किट कर देगा। शॉर्ट सर्किट से एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगेगा आपके सर्किट में, घर के सर्किट में, और इसके लिए फिर फ्यूज की जरूरत पड़ेगी कि फ्यूज उस सर्किट को तोड़ दे ताकि बाकी अप्लायंसेस में प्रॉब्लम ना आए। और ओवरलोड में क्या होता है, एक सॉकेट से जब रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है तो ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ओवरलोड जाता है, उसके वजह से भी अगर एक्सेसिव करंट बह गया तो फायर लग सकती है, जिसके लिए फ्यूज की जरूरत है। तो फ्यूज काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब आज की डेट में फ्यूज का एक मॉडर्न वर्जन आ गया है जिसको आप बोलते हो मिनियाचर सर्किट ब्रेकर्स। अब ये मिनियाचर सर्किट ब्रेकर्स को फ्यूज की जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है। पहले तो क्या होता था फ्रेंड्स कि देखिए, जब ये वाला फ्यूज टूटता था ना, ये वाला तार, तो ये जो पूरा कंपोनेंट होता था इसको नया खरीद के लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब अगर फ्यूज कुछ उड़ेगा तो ये जो आपका स्विच है ना, ये नीचे की तरफ ट्रिप कर जाएगा। अगर एकदम से इसके अंदर कुछ ऐसी मशीनरी होगी कि अगर करंट एक लिमिट से ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली ये स्विच नीचे गिर जाएगा और आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर से सर्किट को चालू करने के लिए आपको बस इस स्विच को ऊपर उठाना है, तो बार बार आपको नया जाके मार्केट से एक नया फ्यूज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एमसीबी को भी खरीदते वक्त आईएसआई मार्क को जरूर देख लीजिएगा। तो किसी भी तरीके के फ्यूज को या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को खरीदने से पहले उस पर लगा हुआ आईएसआई मार्क को जरूर देख लें, और कभी भी अपने घरों में जब यूज करें तो प्रॉपर फ्यूजेस को ही यूज करें जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आईएसआई मार्क जिन पर लगा हुआ हो। सस्ते फ्यूजेस को मत खरीदें। आगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक वायर से बह रहा है, क्या ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है? बिल्कुल ये मैग्नेटिक इफेक्ट को पैदा करता है। कैसे देखेंगे,
माचिस की डिब्बी होती है, उसके अंदर के सारे माचिस निकाल दीजिए और बाहर के खोके को हटा के अंदर जो ट्रे टाइप की होती है ना, उस ट्रे को बाहर निकालिए और उस ट्रे के चारों तरफ आप एक वायर को बार बार लपेटिए। ओके, वायर को लपेटिए, उस ट्रे के अंदर एक छोटी सी कंपास नीडल डाल दीजिए, छोटी वाली कंपास नीडल्स आती हैं, स्कूल में भी प्रयोग होती हैं, उस छोटी सी कंपास नीडल को उनके अंदर डाल दीजिए और ये जो वायर है जिसको आपने ट्रे के ऊपर लपेटा है, एक एंड आपका बाहर आ जाएगा, एक एंड बाहर आ जाएगा, उससे फिर आप एक सर्किट बना लीजिए, उस सर्किट में एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। ओके, अब आपको कुछ चीजें देखनी है। पहली बात तो जो स्मॉल कंपास है, वो स्मॉल कंपास एक तरीके का नीडल, एक तरीके का मैग्नेट है, तो वो जो स्मॉल कंपास है, जब वो एक तरीके का मैग्नेट है तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फिर अगर आप एक बार मैग्नेट को उस ट्रे के पास लेके आते हो तो उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो कंपास अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। लेकिन ये आपने जो सर्किट बनाया है ना फ्रेंड्स, इस सर्किट को देखिए, अभी तो ये जो सर्किट है वो खुला हुआ, जैसे आप इसको क्लोज करोगे वैसे करंट बहना शुरू हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, लेकिन जब ये करंट बहेगा ना उस समय पर आप इस कंपास नीडल की मूवमेंट को देखना, ये कंपास नीडल भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन तारों के थ्रू पास कर रहे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से ये कंपास नीडल अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। तो देखिए, व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, दस द कंपास नीडल। कहने का मतलब यह है कि जब बार बार आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, आपको यह मालूम पड़ेगा कि वो जो कार्डबोर्ड के ऊपर आपने तार लपेटा था, उस तार के थ्रू जब करंट पास हो रहा है तो वो अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मतलब वो खुद भी एक मैग्नेट बन गया है। और जैसा कि मैंने आप बताया था, जो कंपास की नीडल है वो खुद एक टाइनी मैग्नेट है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जब आप एक मैग्नेट बाहर से लेके आओगे तब भी वो डिफ्लेक्ट होगा, और जब उसके वायर के अंदर आप करंट पास कराओगे तो वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसकी वजह से फिर से वो कंपास नीडल रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सब चीजें किसने करी थी, ये सब चीजें एक साइंटिस्ट ने करी थी, इसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ओके, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने क्या देखा, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने देखा कि जैसे जैसे वायर के थ्रू आप करंट को पास कर रहे हो वैसे वैसे जो कंपास नीडल है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यानी कि एक वायर जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, जब वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसने इस फिनोमिना को डिराइव किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेट बना सकते हो, देखते हैं कैसे। यहाँ पे एक आपने और एक्टिविटी की है फ्रेंड्स, एक किल्ला लिया आपने, आयरन नेल की स्टील को आप ठोकते हैं घर में, उसके चारों तरफ आपने एक वायर को इस तरीके से लपेट दिया और इस तरीके से पूरा एक सर्किट बना दिया जहां पे एक सेल आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे आपको एक स्विच नजर आ रहा है। अभी तो स्विच एक क्लोज पोजिशन में, मान लीजिए ओपन पोजिशन में अभी क्लोज नहीं है। आप एक काम करिए, कुछ आयरन नेल्स को लाके, पतले 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 आयरन नेल्स और नीडल्स को लाके आप इस, ये जो आपका आयरन नेल है ना उसके नीचे डाल दीजिए और स्विच को खोल करके, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे ना आप देखोगे जो नीचे की आयरन नीडल्स है ना वो आयरन नेल के साथ चिपक जाएंगी। क्यों चिपक जाएंगी, क्योंकि ये जो आपका आयरन नेल है जब इसके थ्रू करंट पास करेगा, इसकी वायर्स के थ्रू करंट पास करेगा, दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्प्ले करेगा। ये पूरी एक्टिविटी में एक्चुअली में आपको यही बताया गया है। तो देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस को देखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आपके नीचे नीडल्स पड़े हैं ना, ये नीडल्स इस किल्ले के साथ तब तक चिपकेंगे जब तक करंट पास हो रहा है, जैसे करंट पास होना बंद हो जाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले बन गया था करंट की वजह से, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा रेगुलरली लगातार। ओके,
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बनाया जा सकता है। चैप्टर 13 में क्रेन के बारे में हमने बात की थी, जो कि गंदगी से हैवी मटेरियल्स और आयरन मटेरियल्स को अलग कर रहा था। देखिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। डॉक्टर यूज करते हैं टाइनो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, ताकि जो छोटे 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 पीसेज आपकी आंखों में गिर गए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स आपकी आंखों में गिर गए हैं, उनको खींचा जा सके बाहर। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग बहुत तरीके की चीजों में होता है, खिलौनों में होता है। आपने कभी आपने देखा होगा कि ट्रिन करके आपके जब स्कूल की छुट्टी होती है, पीरियड बदलता है, तो एक बेल बजती है जिसको आप इलेक्ट्रिक बेल बोलते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पे चलती है। कैसे चलती है फ्रेंड्स, देखिए ये वायर आपने लपेट रखा है, यहाँ पे आपको वायर लपेटा हुआ दिख रहा है, यहाँ वायर लपेटा हुआ दिख रहा है, अंदर के आयरन के पीस में। तो इस तरीके के आयरन के पीस पे आपने इन दोनों पे आपने तार को लपेट रखा है, और फिर एक सर्किट सा बना रखा है जिसमें यहाँ पे आपने बैटरी बना रखी है, और आगे जाके एक स्क्रू के थ्रू उसको अटैच कर रखा है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिकी है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। जैसे ही आप इन बैटरी के थ्रू इसमें करंट को पास करेंगे, ठीक है, जैसे ही बैटरी के थ्रू आप इसको करंट को पास करेंगे, होगा क्या, ये जो थिंग है, ये जो पूरी थिंग है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी तो इस आयरन स्ट्रिप को ये अपनी तरफ खींचेगी, आयरन स्ट्रिप इधर आएगी, इसमें दन्ने से मारेगी, आवाज आएगी। लेकिन जब ये आयरन स्ट्रिप ऐसे होगी ना, तो ये जो चीज है ना, वो इस स्क्रू से अलग हो जाएगा, और ये चीज जब इस स्क्रू से अलग हो जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सर्किट टूटेगा, वैसे ही ये जो मैग्नेट थी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनी थी, ये मैग्नेट होनी बंद हो जाएगी। तो जब ये मैग्नेट होनी बंद हो जाएगी, तो फिर ये जो स्ट्रिप था आयरन स्ट्रिप वापस आ जाएगा। जब आयरन स्ट्रिप वापस आ जाएगा, ये फिर से सर्किट जुड़ जाएगा, फिर से सर्किट जुड़ जाएगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, तो फिर से स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा, फिर से स्ट्रिप इधर आएगा, इसको धार से मारेगा, आवाज पैदा होगी, इस स्ट्रिप इधर आएगा तो यहां से फिर से सर्किट टूट जाएगा, फिर से सर्किट टूट जाएगा तो फिर मैग्नेट नहीं रहेगा, फिर ये स्ट्रिप वापस आएगी। तो ऐसे स्ट्रिप आगे पीछे जाके तार से इस गोंग पे मार के आवाज पैदा करते रहती है। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट करती है दोस्तों। तो बैटरी के बारे में देखा, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की। हमने यहाँ पे बात की है कि कैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए सिंबल्स बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके एग्जैक्ट कंपोनेंट्स की तरह ना दिखा के आप सिंबल्स की तरह दिखाएंगे, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास करता है, तो बहुत सारे केसेस में वो वायर गर्म हो जाता है, और इस हीटिंग इफेक्ट को बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हीटर्स, बल्ब्स। ओके, फिर वायर्स जो कि स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजेस के बनाने में, ताकि फ्यूजेस के होते हुए कभी मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट तेजी से बढ़ जाए, तो उसकी वजह से फायर ना लगे, इस तरीके की चीजों को अवॉइड किया जा सके। जब आप एक वायर के थ्रू किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे, तो एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग बहुत तरीके के डिवाइसेस में होता है। तो आई होप मैंने इतना गला फाड़ा है तो कुछ यूजफुल लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज लाइक करें बिना मत जाइएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ज्यादा ही यूट्यूब की एल्गोरिथम मेरी इन वीडियोज को यूट्यूब पर प्रमोट करेगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे।